नमस्कार, ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज के राशिफल की। आज 24 मई 2023 है और दिन है बुधवार। तो मंगल प्रधान मेष राशि वाले जातकों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए आज का दिन कैसा व्यतीत होएगा, कैसा इनका धन की स्थिति रहेगी, रिश्ते कैसे चलेंगे और नौकरी कार्य काम कारोबार व्यापार में क्या प्रगति होगी, सभी विषयों की चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। चंद्रमा आज पुनर्वसु और पुष्य दो नक्षत्रों में चल रहा है। पहले ये चलेगा गुरु के नक्षत्र में 3 बजे तक दोपहर में, उसके बाद ये चले जाएगा शनि के नक्षत्र में। तो इस कारण से आपका दिन दो भागों में बटा हुआ है और ये चंद्रमा दो भागों के हिसाब से आपको परिणाम देंगे। आज ज्येष्ठ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि के देवता नाग देवता होते हैं और नाग देवता की पूजा करने के लिए हमको माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए और उन्हें कोई भी फल चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से करने से नाग देवता खुश होते हैं और हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। चंद्रमा चलेंगे आज, चंद्रमा पूरे दिन चलेंगे कर्क राशि के अंदर। तो मेष राशि के चल रहे हैं चंद्रमा चौथे घर के अंदर, तो क्या परिणाम देंगे। दिशाशूल आज की बात करें, दिशाशूल की, तो दिशाशूल आज उत्तर दिशा में रहेगा। परंतु कोई खास कार्य हो और आपको यात्रा करनी पड़े उत्तर दिशा में, तो आप कुछ कदम साउथ की दिशा में जाएं, फिर उत्तर दिशा में घूम के आप जा सकते हैं। और वैसे 3 बजे के बाद आप उत्तर दिशा की यात्रा करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उस समय चलेगा पुष्य नक्षत्र। तो ये थी इस तरह से पंचांग की स्थिति। चंद्रमा और मंगल की युति भी आपके कुंडली में बनी हुई है जो कि श्रेष्ठ परिणाम आपको देगी। देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चलेंगे चंद्रमा 3 बजे तक, तो 3 बजे तक आपकी स्थिति काफ़ी कुछ अच्छी रहेगी और 3 बजे के बाद भागदौड़ की स्थिति बन जाएगी। फोर्थ हाउस में चल रहे हैं और गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं तो दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा होएगा। अनबन आपकी कोई चल रही है तो वो दूर होएगी, दिन इस कारण से बढ़िया कहा जा सकता है। धन के लिए भी ये दिन अच्छा है और शाम को 3 बजे के बाद आप कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, कोई बड़ा रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है या फिर कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका हो सकता है, इस टाइप का ग्रह गोचर इशारा कर रहा है। भागदौड़ भरा दिन है और दिन आपका श्रेष्ठ परिणाम आज का देके जाएगा। कार्य क्षेत्र में है तो कार्य क्षेत्र में चल रही कठिनाई दूर होगी। बीते कुछ दिनों से जो आपको चिंता चल रही थी घर परिवार की किसी की भी, तो वो आज आपकी दूर होगी। वर्क प्लेस पर भी बीते समय से कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसका समाधान आज निकल के आएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य आज आपका पूरा होगा या कोई महत्वपूर्ण आपकी इच्छा थी जो आप काफ़ी समय से उसके लिए प्रयास कर रहे थे कि वो आपकी इच्छा पूरी हो, वो आपका काम पूरा हो, तो वो काम आज आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह से आज का दिन सफलता की ओर आपको लेके जाएगा। पूरे समय एक ही बात का ध्यान रखें कि आप आज पूरे समय जोश में रहेंगे और आपका काम भी बनेंगे, परंतु जोश में होश न खोएं, होश खो करके अपनी वाणी पर संयम न खोएं। वाणी पर संयम रखना बहुत ही जरूरी है, साथ ही वाणी में आप कटुता भी न लेके आएं तो आपके रिश्ते भी सही चलेंगे और आपके कार्य भी बनेंगे, साथ ही आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। वाणी में कठोरता लाएंगे आप या गुस्सा करेंगे और स्वयं की गलती को छुपाएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इस कारण से अपने प्रति ईमानदार बने रहें और कार्यक्षेत्र के अंदर अपने कार्यक्षेत्र में ही लगे रहें। दूसरों के कार्यक्षेत्र में या दूसरों के कार्य में आप हस्तक्षेप न करें। यह आज के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि आप किसी के कार्य में दखल न दें, अपने कार्य से कार्य रखें, काम से काम रखें। यात्रा करने के लिए आप सोच रहे हैं तो यात्रा करने के लिए दिशा आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है। महत्वपूर्ण कार्य में 3 बजे बाद आप यात्रा कर सकते हैं, पर फिर भी यात्रा आज आप न करें तो ठीक है। जोखिम लेने से आज आपको बचना चाहिए। किसी भी तरह का जोखिम लेने से आपको स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही दिन बढ़िया है। मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वालों के लिए भी आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। जितनी ज़्यादा आज आपको परेशानी आएगी उतनी ही ज़्यादा आपके कार्यों में निखार आएगा और आपके कार्यों की सफलता की दर भी बढ़ती जाएगी। जो लोग प्रेमीजन हैं, लव एंड रिलेशनशिप में चल रहे हैं, उनके लिए भी दिन आज बढ़िया है। पूरे समय वाणी पर संयम रखना बेहद जरूरी है और क्रोध से अपने आप को बचा के रखना है। जो लोग दाम्पत्य जीवन में हैं उनके दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, पार्टनर उनकी बात मानेगा और पार्टनर के साथ उनके संबंध अच्छे चलेंगे।
इस तरह से ये दिन सभी लोगों के लिए अच्छा व्यतीत हो रहा है। खान पान पे आपको विशेष करके नियंत्रण रखना चाहिए। जो लोग डायबिटीज़ से परेशान है उनकी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आज हो सकती है, या कोई पुराना रोग है तो उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। वैसे दिन अच्छा है अगर आप खान पान पर नियंत्रण रखते हैं, नशे और मांसाहार से दूर रहते हैं तो दिन आपको श्रेष्ठ परिणाम देके जाएगा। तो ये था मेष राशि वालों का दैनिक राशिफल। उपाय की बात करें तो भगवान शिव के ऊपर दूध चढ़ाना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होएगा। साथ ही हनुमान चालीसा के 3 पाठ करना, और यात्रा पे जा रहे हैं तो बजरंग बाण का पाठ करके ही यात्रा में आप प्रस्थान करें। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट में जय श्री राम, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। आपके जीवन में आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।